टीकमगढ़ जिले के दिगोड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बिरू में 8 साल के बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला चिकित्सालय भेज दिया है। बताया जाता है कि ग्राम बिरू में कल दोपहर 3 बजे से लापता 8 साल के बच्चे का शव गांव से थोड़ी दूर जंगल में मिला है। बच्चे के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। बच्चे के परिजनों ने हत्या का मामला बताया है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। कल रात में करीब 7:30-8 बजे के आसपास डायल 100 पर इवेंट आया था कि ग्राम बिरू में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। उसके हाथ पर बंधे हैं और गले में रस्सी बनी हुई है। तो इवेंट पर हम लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि ग्राम बिरू में एक करीब 10 साल का बच्चा जिसके हाथ पर बंधे हुए थे और गले में रस्सी लपेटी हुई थी, मृत अवस्था में पड़ा था। मौके पर बच्चे का पिता नसीब खां मिला, जिसके द्वारा गांव के ही 4 लोगों के नाम बताए गए। उसकी फरियादी की रिपोर्ट पर 4 लोगों के खिलाफ में 302 का पद पंजीबद्ध किया गया है। बाकी घटना जारी है, जो भी साक्ष्य है उसका अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिनके ऊपर उन्होंने हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।